गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला कलर और मैं आकांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ नॉर्मल स्किन टाइप्स के लिए। आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो ट्रस्ट मी आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे के सारे डाउट इस एक वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी 3 अलग अलग टाइम के लिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और ये तीनों टाइम पे हम 3 अलग अलग स्किन कंसर्न को टारगेट करेंगे। मॉर्निंग के स्किन केयर रूटीन में हम आपकी पिगमेंटेशन, डल स्किन को टारगेट करेंगे। और इसके साथ साथ उस स्किन केयर रूटीन में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे और ग्लो इफेक्ट देंगे। इवनिंग में जो हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे वो आपके ओपन पोर्स को टारगेट करेगा। और नाइट में जो हम स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे वो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देगा, यानी कि रिंकल्स, फाइन लाइंस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और आपके स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथ देगा, उन्हें रिपेयर करेगा, क्योंकि रात में आपकी स्किन की रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से। जनरली नॉर्मल स्किन वाले लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए इस स्किन केयर रूटीन में मैंने एक्ने को टारगेट नहीं किया है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद आपको एक अच्छे से फेस वॉश से अपनी स्किन को क्लीन करना है। फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी स्किन के लिए जेंटल हो, क्योंकि रात में आपकी स्किन पे किसी भी टाइप का डर्ट, इम्प्योरिटी या फिर सनस्क्रीन वगैरह नहीं होती है। तो इसीलिए बहुत ही जेंटल फेस वॉश आपको मॉर्निंग में यूज करना इनफ हो जाएगा। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला, ये डॉट एंड की का सीका रेंज आई है, बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। आप द डर्माको की ये जो पोर मिनिमाइजिंग रेंज है, इसमें आपको ग्रीन क्ले वाला फेस वॉश मिलता है, बहुत ही ज्यादा जेंटल है, बहुत ही इजीली आपके फेस को क्लीन कर देता है बिना आपकी स्किन को ड्राई बनाए। इसमें भी आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। और तीसरा, आप द डर्माको का AHA BHA फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग में जानबूझ के मैंने आपको तीनों ही ऐसे फेस वॉश रेकमेंड किए हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, क्योंकि एक बार आपको अपनी स्किन को सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश से क्लीन करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बहुत ही जेंटल तरीके से डेली बेसिस पे आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। आपको मार्केट में सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाले बहुत सारे फेस वॉश मिल जाएंगे, बट गाइज ये एक ऐसा स्किन केयर एक्टिव है कि आपको रैंडम इसका कोई भी फेस वॉश नहीं उठाना है। मैंने अभी तक बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश ट्राई किए हैं, बट किसी ने भी मेरे लिए काम नहीं किया। तो ये 3 ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत जेंटल हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन इन फेस वॉश को आपको दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है, एक से ज्यादा बार यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको टोनर यूज करना है। टोनर आपके पास जो है आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी नायासिनेमाइड वाला टोनर यूज करना। प्लम का नायासिनेमाइड वाला टोनर आया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपकी स्किन को क्लियर करता है, पोर्स को मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। और आप सभी को पता है नायासिनेमाइड एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन को रिमूव करके आपको क्लियर स्किन देने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें आपको ओट एक्सट्रैक्ट मिलता है जो कि आपकी स्किन को नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा और अगेन ओपन पोर्स की अपीयरेंस पे काम करेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको राइस वाटर मिल रहा है। राइस वाटर की इम्पोर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने होम रेमेडी जरूर ट्राई की होगी, तो इसीलिए ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन आप अपना जो बेसिक कोई भी आपके पास टोनर है जो आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही खरीदें। बट अगेन इसके एडिशनल फायदे हैं। तो नायासिनेमाइड आप इस टोनर की हेल्प से अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी स्किन कंसर्न को टारगेट करना है। हमेशा आपको जो ट्रीटमेंट यूज करना है वो सीरम की फॉर्म में करना है। जी हाँ गाइज, आपको हमेशा आपको कोई भी स्किन कंसर्न हो उस स्किन कंसर्न के लिए जो भी आप स्किन केयर एक्टिव अपने स्किन केयर रूटीन में डालना चाहते हैं वो सीरम की फॉर्म में डालिए, ना कि मॉइस्चराइजर की फॉर्म में। बहुत ही प्लेन सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी।
मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो जो आपने ट्रीटमेंट यूज किया है सीरम की फॉर्म में उसे लॉक करते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हाइड्रेट करते हैं। ये होता है बेसिक सा काम मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को ट्रीट करने के लिए नहीं बने हैं। अगर उसमें आपको अच्छे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल फायदे होंगे, बट मॉइस्चराइजर पे आप पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते अपने स्किन कंसर्न को ट्रीट करने के लिए। मॉइस्चराइजर्स आर लाइक कि जब आपको चोट लग जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी ड्रेसिंग करता है ना, तो सबसे पहले वो आपकी चोट को क्लीन करता है और उसके बाद कुछ क्रीम वगैरह लगा के, कुछ ऑइंटमेंट लगा के एक बैंडेज करता है। तो मॉइस्चराइजर और जो सनस्क्रीन है वो बैंडेज है, आप ट्रीटमेंट को खुला नहीं छोड़ सकते। तो और बिना ट्रीटमेंट के अगर सिर्फ आप वो बैंडेज लगाएंगे तब भी आपकी जो चोट है वो ठीक होगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा किसे पता। तो इसीलिए आपको अपनी स्किन कंसर्न को टारगेट करने के लिए हमेशा सीरम यूज करने हैं। पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, एज ए लाइक ऐसे नारसेनेमाइड, लेकिन नारसेनेमाइड आप ऑलरेडी टोनर के फॉर्म में यूज कर चुके हैं तो आपको नारसेनेमाइड अगेन सीरम की फॉर्म में यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एज ए लाइक एसिड, अल्फा अबोटेन, विटामिन सी, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मॉर्निंग में आप विटामिन सी यूज कीजिए। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, इसीलिए फ्री रेडिकल डैमेज से जो मॉर्निंग में होने का सबसे ज्यादा खतरा है उससे आपकी स्किन को बचाता है। तो विटामिन सी आप प्लम का यूज कर सकते हैं, आप क्लेयर्स का यूज कर सकते हैं, मेरे पास अभी है क्लेयर्स का, मैं आज का यूज कर रही हूँ, प्लम का मैं फिनिश कर चुकी हूँ। नहीं तो आप द डर्माको का नारसेनेमाइड प्लस विटामिन सी वाला ये जो सीरम है ये यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोजिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी पिगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए आपके पास सीरम है ना वो आप मॉर्निंग में डालिए, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है बिल्कुल बेसिक। मैं आपको रेकमेंड करूंगी डॉट एंड की का 3% विटामिन ई फेस मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। विटामिन ई आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन बैरियर्स को रिपेयर करता है, उन्हें स्ट्रेंथ देता है और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। मॉर्निंग में सारा का सारा जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच आपके पास सामान है ना वो सब आप यूज कर लीजिए। उसके बाद आपको यूज करनी है सनस्क्रीन, आपके पास जो भी वो, अगर वो आपके लिए अच्छे से काम कर रही है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो यूज करते रहिए। नहीं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस जो सनस्क्रीन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया इनमें से किसी में भी आपको किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल नहीं मिल रहा है और ना ही तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज की गई है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन, ये आप फॉलो कीजिए मॉर्निंग में। उसके बाद बात करूंगी इवनिंग के रूटीन की। ये जो मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन है इसे आपको बहुत ज्यादा देर तक रात तक नहीं रखना है, 4 से 5 बजे तक रखिए शाम में, उसके बाद इसे हटा दीजिए। उसके लिए आपको कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज करने की जरूरत है, जो कि जो भी आपने मॉर्निंग में अपनी स्किन पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाए हैं उसे भी क्लीन करें। उसके साथ साथ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितना भी डर्ट, इम्प्योरिटीज वगैरह आपकी स्किन पे जमा हो गई है उसे भी निकाले। मैं आपको रेकमेंड करूंगी प्लम का चारकोल फेस वॉश। चारकोल जितना भी डर्ट वगैरह है उसे भी आपकी स्किन से सब कर लेता है, जितना भी एक्सेस सेबम वगैरह और जितना भी इम्प्योरिटीज आपके पोर्स में अंदर तक चली गई है ना वो सब कुछ ये बहुत अच्छे से निकालता है। इसमें आपको छोटे छोटे बीड्स भी मिलते हैं जो अगेन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन और आपको रिफ्रेश करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन है शाम में यूज करने के लिए। अगेन आपको फेस वॉश के बाद टोनर यूज करना है, मैं नारसेनेमाइड वाला टोनर ही आपको रेकमेंड करूंगी, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेलोरॉनिक एसिड वाला सीरम यूज करना है, क्योंकि हम इवनिंग में आपके ओपन पोर्स को टारगेट करने वाले हैं। हेलोरॉनिक एसिड एक स्किन लाइक सब्सटेंस होता है जो आपकी स्किन की आउटर लेयर में अपने आप से प्रेजेंट होता है, लेकिन एज के साथ साथ और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बाकी अच्छे अच्छे सब्सटेंसेस की तरह जैसे कॉलेजन की तरह ये भी आपकी स्किन से धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए आपको एक बार दिन में हेलोरॉनिक एसिड वाला सीरम यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन में कॉलेजन सिंथेसिस को हेलोरॉनिक एसिड भी बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है और ये आपके पोर्स को टाइट करने में भी आपकी हेल्प करता है। अभी रिसेंटली
ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैंने डिटेल में अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया था, तो आपको ऊपर आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सेम मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले फेस क्लीन करना है, टोनर यूज करना है, हिलोरानिक एसिड वाला सीरम यूज करना है, और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, AHA, BHA या फिर PHA बेस्ड, क्योंकि नॉर्मल स्किन टाइप है आपकी, तो इसीलिए आपके पास अच्छा ऑप्शन है द डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा। वैसे तो मैं पर्सनली ये वाला यूज कर रही हूँ आजकल, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चराइजेशन दे पाएगा। बट उसके ऑपोजिट इसमें आपको ओट एक्सट्रैक्ट क्योंकि मिल रहा है, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश भी करता है और अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। तो शाम का जो आपका रूटीन है बहुत ही बेसिक है, उसके बाद रात में आपको सबसे पहले आपकी स्किन को एज से बचाना है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें रिपेयर करना है। उसके लिए अगेन सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके लिए आप कोई भी जेंटल सा फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो ये प्लम वाला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको टोनर यूज करना है, अगेन जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आपको सीरम यूज करना है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि रात में आप रेटिनॉल यूज कीजिए। मैं आपको 3 बेस्ट ऑप्शन देना चाहूंगी जो मार्केट में अवेलेबल है, प्लम का रेटिनॉल सीरम, डीकंस्ट्रक्ट का रेटिनॉल सीरम, या तो केमिस्ट एट प्ले का रेटिनॉल सीरम। इन तीनों में से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो वीक में 2 से 3 बार से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप रेटिनॉल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। रेटिनॉल आपकी एज को रिवर्स करने तक का पोटेंशियल रखता है। रेटिनॉल आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पिगमेंटेशन, एक्ने वगैरह से फाइट करने में आपकी हेल्प करता है, इसीलिए रेटिनॉल को आपको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन रेटिनॉल के साथ आपको विटामिन सी, AHA, BHA इस टाइप के इंग्रेडिएंट यूज नहीं करने हैं। रेटिनॉल के साथ आप बहुत ही बेसिक सा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए रात में, क्योंकि आपको अपनी स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथ देनी है, उन्हें रिपेयर करना, इसीलिए सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। द डर्माकोका 4% कॉम्प्लेक्स सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम मेरी फेवरेट सेरेमाइड बेस्ड फेस क्रीम है। इसमें आपको 5 वेरिएंट के सेरेमाइड्स मिलते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आपको लॉक करना है फेशियल ऑयल से। आप अगर कोई फेशियल ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लम का ये ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न वाला फेशियल ऑयल है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्क्वेलेन वाला ऑयल ट्राई कर सकते हैं, मिनिमलिस्ट का अच्छा है, और मुझे लगता है सुगंधा में भी आपको स्क्वेलेन ऑयल मिलता है, और पिलग्रिम में भी आपको स्क्वेलेन ऑयल मिलता है, तो कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुमकुम आदि ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं। कुमकुम आदि ऑयल आपको रेडियंट स्किन देने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ आपको एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है। लेकिन कुमकुम आदि ऑयल पर्सनली जब मैं रेटिनॉल के साथ यूज करती हूँ तो वो मेरी स्किन को थोड़ा इरिटेट करता है। तो आप बस ट्राई कर लीजिए कि रेटिनॉल के साथ आपका कुमकुम आदि ऑयल जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, हो सकता है इस वजह से ऐसा होता हो। तो ये है आपका रात का स्किन केयर रूटीन। तो ये आपको कुछ बेसिक सा स्किन केयर रूटीन 3 बार दिन में फॉलो करना, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, एजिंग की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, और इसके साथ साथ आपका जो स्किन है ना वो भी ग्लोई और ब्राइट बना रहेगा। वीक में 1 बार आपकी स्किन को आपको केमिकली एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपके साथ बेस्ट पॉसिबल केमिकल एक्सफोलिएशन जो है वो शेयर की थी वीडियो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसका, उनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। वीक में 1 से 2 बार, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, आपको अपने फेस पे क्ले मास्क लगाना या फिर कोई भी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि वो आपके ओपन पोर्स वगैरह को बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह करता है। तो 1 बार नहीं तो 2 बार आप क्ले मास्क लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। महीने में 1 बार आप पील ऑफ मास्क यूज कीजिए, चारकोल वाला, वो आपके जो पोर्स हैं उन्हें अंदर से क्लीन करता है, सब कुछ खींच के बाहर निकाल देता है, जितना भी व्हाइट हेड्स वगैरह आपके अगर नाक वाक के आसपास या फिर आपके फेस की स्किन पे जमा हो गए हैं वो सब कुछ निकाल देता है। तो महीने में सिर्फ 1 बार आपको पील ऑफ मास्क यूज करना है। मैं पर्सनली ला ऑर्गेनो वाला यूज करती हूँ, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, ला ऑर्गेनो बहुत अच्छा है, मेरी स्किन सेंसिटिव है तब भी वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो
तो गाइज आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए एकदम डिटेल्ड आपके लिए मैं स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये जो वीडियो है वो जरूर हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।